अंतरिक्ष के इतिहास में अगले कुछ घंटों में भारत एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारतीयों के लिए शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बेहद खास होने वाली है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक वक्त होगा जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और पूरी दुनिया भारत की इस कामयाबी की गवाह बनेगी। विक्रम लैंडर की ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर कामयाब रहती है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। विक्रम लैंडर देर रात 1 से 2 बजे के बीच चांद पर उतरने के लिए नीचे की ओर चलना शुरू करेगा और 2:30 बजे के आसपास पृथ्वी के उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। पीएम मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए शुक्रवार रात 9 बजे बंगलुरु रवाना होंगे। पीएम यहां 60 से 70 स्कूली बच्चों के साथ इस लम्हे को देखेंगे। ये सभी बच्चे देश भर से क्विज प्रतियोगिताओं के जरिए चुनकर आए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ चंद्रयान 2 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखने का मौका मिला है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर में 3-4 कैमरे और सेंसर लगे हैं। इसके लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। विक्रम लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और सुबह करीब 5:30 से 6:30 बजे के बीच चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई देगा। प्रज्ञान चांद की सतह पर 14 दिन तक चहलकदमी करेगा और यहां की तस्वीरें और उससे जुड़ी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। यहां पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि रात करीब 1:30 बजे विक्रम का पावर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। विक्रम चांद की बिल्कुल सीधाई में होगा। इसके बाद विक्रम अपने ऑनबोर्ड कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू करेगा। विक्रम इन तस्वीरों का मिलान धरती से भेजी गई चांद की दूसरी तस्वीरों के साथ करेगा और ये पता लगाएगा कि लैंडिंग की सही जगह कौन सी है। जिस सतह पर विक्रम को लैंड करना होगा उसकी सतह 12 डिग्री से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए ताकि यान में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। एक बार जब विक्रम लैंडिंग की जगह की पहचान कर लेगा, इसके बाद सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी होगी। इसमें करीब 15 मिनट लगेंगे और यही वक्त भारत की कामयाबी का इतिहास लिखेगा। आप भी घर बैठे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकते हैं। स्टार टीवी, हॉटस्टार और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इसका सीधा प्रसारण करने का ऐलान किया है। ये चैनल चंद्रयान के चांद पर लैंडिंग की एक्सक्लूसिव लाइव प्रसारण करेंगे। Bold, bold, bold mission going where, you know, mankind are, you know, we haven't gone, people have not gone before down to the South Pole, the moon. So it would be absolutely incredible. It's already absolutely incredible that you're circling the moon. That is a very tough task. So no matter what the outcome on Friday with Nat Geo on the show and talking about everything, no matter what the outcome, it's still a success for the planet and not just for India. By all indications, a lot of radar studying we've done of the moon, and now with the orbiter itself is going to, you know, make even better data to look down and see if there's any water, frozen hydroxy down there in the South Pole region. So this is a fantastic region to explore, and, you know, that's why, again, the whole planet benefits from India's fabulous effort to land down there on the South Pole region.